आप में से हर कोई समझना चाह रहा है कि जो सरकार की फोर्थ फ्लोर को लेकर नई पॉलिसी आई है उससे सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा। वैसे आज जितने भी एजिटेशंस हो रहे हैं इस पॉलिसी के अगेंस्ट में, उनका कहना है कि इस पॉलिसी से सबसे ज्यादा फायदा बिल्डर्स और डेवलपर्स को होगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि इस पॉलिसी में जो सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो वो कौन है। अगर आप में से किसी ने इस पॉलिसी के प्रेस नोट को ध्यान से पढ़ा है तो उसके सेकंड पैरा में ही लिखा हुआ है, परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टिल्ट प्लस फोर फ्लोर्स शैल ऑल्सो बी ग्रांटेड इन ऑलरेडी लाइसेंस DDJAY कॉलोनीज इफ द सर्विस प्लान इज अप्रूव्ड और रिवाइज फॉर फोर ड्वेलिंग यूनिट्स पर प्लॉट। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है कि उन सभी DDJAY कॉलोनीज में स्टिल्ट प्लस चार फ्लोर को अलाउ किया जाएगा जिनमें अगर सर्विस प्लान पर प्लॉट पे चार यूनिट का अप्रूव कराया गया है। तो यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जितनी भी DDJAY कॉलोनीज गुड़गांव में हैं सभी का जो सर्विस प्लान है वो पर प्लॉट फोर यूनिट्स का ऑलरेडी अप्रूव्ड है। इसके अलावा शहर में जितने भी सेक्टर्स हैं या प्राइवेट सोसाइटीज हैं वहाँ पर एक प्लॉट पे चार यूनिट के हिसाब से सर्विस प्लान अप्रूव्ड नहीं है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस पॉलिसी में अगर कोई सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है तो वो प्लॉट होल्डर है जिसका प्लॉट किसी DDJAY कॉलोनी में है। आज इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि DDJAY कॉलोनीज को ये सबसे बड़ा बेनिफिट इस पॉलिसी में कैसे मिला, क्यों मिला और आने वाले टाइम में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ हमारे पास DDJAY प्लॉट्स में क्या नए नए ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए ताकि चार फ्लोर का फायदा आप भी उठा सकें। मैं हूं नरेश सिंह शेखावत और आप सभी का मैं अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हम गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट को लेकर आ रहे हैं वो आप तक पहुंचें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बात कर लेते हैं स्टिल्ट प्लस चार फ्लोर की नई पॉलिसी का। तो एक जो सबसे टेक्निकल चीज़ हमें इस पॉलिसी में देखने को मिली है वो है कि सरकार ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि जिस भी सेक्टर में, सोसाइटी में या कॉलोनी में अगर ऑलरेडी जो सर्विस प्लान है एक प्लॉट पर चार फ्लोर का अप्रूव्ड है तो वहां पर किसी भी तरह के राइडर्स और बैरियर्स उन लोगों के लिए नहीं है अगर वो अपने प्लॉट पर स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार फ्लोर बनाना चाहते हैं। तो अब यहां पर बात आ जाती है कि पर्टिकुलरली अगर हम गुड़गांव सिटी को लेके बात करें तो यहां पर ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं या फिर वो सोसाइटीज हैं या फिर वो DDJAY कॉलोनीज हैं जिनमें ये सर्विस प्लान चार यूनिट के अप्रूव हुए हैं। तो जैसा हमने अपने सोर्सेज से पता किया और सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू हमने चेक करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि गुड़गांव सिटी में जितने भी हुड्डा के सेक्टर्स हैं किसी भी हुड्डा सेक्टर में सर्विस प्लान एक प्लॉट पर चार यूनिट के हिसाब से अप्रूव नहीं है और ना ही जितनी भी प्राइवेट कॉलोनीज हैं चाहे फिर वो DLF की हैं, MR की हैं, BPTP की हैं, गोदरेज की हैं, अंसल की हैं या यूनिटेक की हैं उनमें से भी किसी भी सोसाइटी में ये जो सर्विस प्लान है ये चार यूनिट के हिसाब से नहीं है। इकलौती DDJAY कॉलोनीज ही ऐसी जगह है जिनका सर्विस प्लान जब डेवलपर ने अथॉरिटीज से पास कराया है तो वो एक प्लॉट पर चार यूनिट के हिसाब से पास है और इस पैरामीटर पर ज़्यादातर DDJAY कॉलोनीज अपनी इस कंडीशन को फुलफिल करती हैं। तो अगर अभी तक आपने किसी भी गुड़गांव के DDJAY कॉलोनी में कोई प्लॉट लिया हुआ है तो आप उस पर बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी बैरियर के, बिना किसी राइडर्स के चार फ्लोर बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ एंश्योर कर देता हूँ अगर ये पॉलिसी हूबहू सरकार की तरफ से लागू हो जाती है तो। दूसरा, कुछ लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूजन था कि क्या जो DDJAY कॉलोनीज हैं वहाँ भी जो NOC के जो राइडर्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे, तो वो इन कॉलोनीज में बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होंगे और उसका सबसे बड़ा कारण अगेन फिर वही सर्विस प्लान है क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर एक प्लॉट पर चार यूनिट के हिसाब से डेवलपर पास करा चुका है जब भी उसने उस अपनी कॉलोनी को लॉन्च किया था। तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर पॉलिसी का कोई सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है तो वो ये DDJAY कॉलोनीज हैं और यहाँ वो प्लॉट होल्डर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब आगे फ्यूचर में क्योंकि यहाँ पर चार फ्लोर बढ़ेंगे जैसे ही ये पॉलिसी लागू हो जाती है
उसके बाद से तो ऑब्वियसली जो लैंड का रेट है वो बहुत अच्छा अप्रिशिएट करने वाला है। तो अगर आपने इन कॉलोनीज में किसी भी कॉलोनी में अगर कोई प्लॉट खरीदा हुआ है तो आपकी चांदी हो गई है अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है। तो मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक किसी DDJY कॉलोनी में कोई प्लॉट परचेज नहीं किया है या इन्वेस्ट वहाँ पर नहीं किया है, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास गुड़गांव के सेक्टर 95 में ROF डेवलपर की एक DDJY कॉलोनी है जिसका नाम है ROF इंसिग्निया पार्क 2। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस कॉलोनी के बारे में, इसके आसपास की सराउंडिंग के बारे में, इस लोकेलिटी के बारे में सुन रखा होगा क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल पहले इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन आज डेवलपर की तरफ से वहाँ कुछ यूनिट्स डायरेक्ट अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप किसी DDJY कॉलोनी में प्लॉट परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि इस कॉलोनी में हमारे पास जो इन्वेंट्री अवेलेबल है डायरेक्ट डेवलपर की तरफ से वो बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री है ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, और यहाँ पर जो आपको रेट मिलेगा वो रहेगा 1,46,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, प्लस में PLC एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप कोई कॉर्नर की यूनिट लेते हैं या कोई पार्क फेसिंग यूनिट लेते हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपए गज के आसपास का रेट आपको मिलने जा रहा है, जो मेरे हिसाब से अगर 4 फ्लोर आपके बनते हैं तो बहुत अच्छा रेट है। तो अगर इन प्लॉट्स की साइजेस के बारे में या इन प्लॉट से रिलेटेड कोई और डिटेल आपको चाहिए या इस सोसाइटी से रिलेटेड कोई डिटेल आपको चाहिए तो स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे किसी भी टाइम कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आज हमारे पास आपके लिए है, क्योंकि अगर हम इस पॉलिसी को स्टडी करें तो इस पॉलिसी में ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि अगर 4 फ्लोर के हिसाब से सर्विस प्लान पास है तो आपके लिए कोई बैरियर अप्लीकेबल नहीं है। तो आगे आने वाले जितने भी लॉन्चेस होंगे तो उनमें डेवलपर से 4 फ्लोर के हिसाब से ही सर्विस प्लान जो है अथॉरिटी से पास कराएंगे। तो अभी बहुत ही जल्दी गुड़गांव के एक बहुत बड़े डेवलपर की, जो कि एक लिस्टेड डेवलपर है, उनका एक नया लॉन्च आने वाला है 1 से 2 महीने के टाइम में। प्लॉटेड डेवलपमेंट होगी उनकी, ये लगभग 200 एकड़ की टाउनशिप लेके आ रहे हैं रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की। यहाँ पर आपको जनरल प्लॉट्स मिलेंगे जो कि पिछले काफ़ी सालों से हमें गुड़गांव शहर में देखने को नहीं मिल रहे थे। तो अगर इस न्यू प्रोजेक्ट की आपको डिटेल्स चाहिए या आप इंटरेस्टेड हैं या आप जब भी ये लॉन्च हो इसमें EOI लगाना चाहते हैं या अपने लिए कोई प्रिफ्रेंशियल यूनिट चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर हमारा नंबर है उस पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं प्राइवेट सोसाइटीज़ में भी और DDJY जो कॉलोनीज हैं गुड़गांव सिटी में उनमें भी। तो अगर आप ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं उसके लिए मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं हूं नरेश सिंह शेखावत, अगले फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।